दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में पहला हीरो कौन था? जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है दामोदर दाबके। ये भारत के पहले अभिनेता थे। इनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी दाबके ने, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक दादा शाह फाल्के थे। यह फिल्म 1913 को रिलीज हुई थी। हिंदी सिनेमा की और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।